मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग गठन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। आयोग बेसिक, माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत लागू करेगा। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चयन शिक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से पूरी प्रक्रिया करते हुए नियुक्ति के लिए प्राधिकारियों को संतुष्टि की जाएगी। सीएम योगी ने इसके लिए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा के साथ आवश्यक प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल बुधवार को सुनवाई करेगा। 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर बरेली में चुनावी दावेदारों की निगाहें जमी दिखाई दे रही हैं। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द करने से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार ने याचिका में कहा है कि मसौदा अधिसूचना को उच्च न्यायालय रद्द नहीं कर सकता है, जो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यूपी सरकार पहले ही निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने और सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी कर चुकी है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की ओर देख रही हैं। कोहरे और शीतलहर में हो रहे हादसों को रोकने के लिए अफसरों ने बरेली रेंज में विशेष अभियान छेड़ दिया है। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने यातायात अभियान के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए ड्राइव शुरू कराया है। आईजी रेंज ने हरी झंडी दिखाकर मंगलवार को पुलिस लाइन से यातायात जागरूकता रैली रवाना की। आईजी ने कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, कोहरे में वाहनों पर फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि हादसे रोके जा सके। इस मौके पर एसएसपी अखिलेश चौरसिया, एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की बड़ी तैयारियां देखकर अब सपा भी जरूरी होमवर्क में जुटती नजर आ रही है। संगठन भंग होने की वजह से अब विधायक, पूर्व विधायक व अन्य प्रमुख नेताओं को चुनावी तैयारियों में जुटाया जा रहा है। बुधवार को बरेली में सपा कार्यालय पर समाजवादी नेताओं ने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की और आपस में लंबी मंत्रणा कर आगे के लिए जरूरी रणनीति बनाई। सपा नेताओं ने बाद में कहा कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में उतर रही है। सपा ने बरेली के छात्र नेता शिव प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के उम्मीदवार का ऐलान अभी होना बाकी है। बरेली के बहेड़ी इलाके में ग्रेजुएशन कर रहे छात्र हिमांशु का गोली लगा शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। हिमांशु गांव बड़ौरी के किसान परिवार का बेटा था और बहेड़ी के गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में बीए का छात्र था। वह गांव में जनसेवा केंद्र भी चलाता था। घर से वह जनसेवा केंद्र गया था। इसके बाद उसके घर से आधे किलोमीटर दूर उसका शव पड़ा मिला। कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था। पास ही में मिले मोबाइल स्टेटस में गुड बाय ऑल लिखा था। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, जबकि घर वाले हत्या की आशंका बता रहे हैं। छानबीन जारी है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।